और आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जाना है। रवनीत सिंह बिट्टू विधानसभा पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय में वो नामांकन दाखिल करेंगे। रवनीत सिंह बिट्टू का निर्विरोध चुना जाना तय है कि कांग्रेस अपनी ओर से कोई भी कैंडिडेट खड़े नहीं कर रही। विधानसभा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू भी विधानसभा पहुंच चुके हैं, कई मंत्री और विधायक भी इस वक्त विधानसभा पहुंचे हुए हैं और कुछ ही समय में रवनीत सिंह बिट्टू नॉमिनेशन फाइल करेंगे। राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में एक सीट पर चुनाव होने वाला है। बीजेपी की ओर से रवनीत सिंह बिट्टू को बतौर कैंडिडेट खड़ा किया गया, हालांकि उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी और ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा जाना लगभग तय है। आज वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं क्योंकि आज 21 अगस्त है और राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करने का अंतिम तिथि भी है और ऐसे में आज रवनीत सिंह बिट्टू थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल देर शाम वो राजस्थान पहुंचे और इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिट्टू का क्या रहा इतिहास, क्या उनका करियर रहा, ये ग्राफिक्स जरिए लगातार आपको दिखा रहा है। चुनाव हारने के बाद भी केंद्र सरकार में वो लगातार मंत्री बने रहे। केंद्र सरकार में अभी रेल, राज्य और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है। कांग्रेस की टिकट पर 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं और पंजाब की लुधियाना सीट से सांसद भी रह चुके हैं रवनीत सिंह बिट्टू। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से इन्हें टिकट दिया गया था। 3 बार से सांसद रहे कांग्रेस की ओर से और अब बीजेपी में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ये बड़ा मौका दिया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जयपुर से सीधी तस्वीरें, विधानसभा के ठीक बाहर से ये तस्वीरें, जहां पर इस वक्त हलचल तेज हो चुकी है। हमारे 2 खास सहयोगी इस वक्त विधानसभा के बाहर मौजूद है, बाबूलाल धायल, सौरभ गृहस्थी, जो वहां से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि जो विधायक है उनसे जब बात की सहयोगी बाबूलाल ने, तो वो यही कह रहे थे कि वो बेहद खुश है कि रवनीत सिंह बिट्टू को ये मौका मिला है और भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि यहाँ पर किसी को भी खास मौका दिया जा सकता है। विधानसभा के ठीक बाहर से ये तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं, रवनीत सिंह बिट्टू भी पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कई विधायक भी इस वक्त विधानसभा पहुंचे हुए हैं, जहां से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और कुछ ही समय का इंतजार चूंकि बेहद खास ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि निर्विरोध चुने जाना तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि कांग्रेस की ओर से कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया जाएगा। राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं देश में और राजस्थान में एक सीट पर यह चुनाव होने वाला है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने रवनीत सिंह बिट्टू का नाम तय कर दिया है। आज वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए विधानसभा पहुंचे हुए और आपको बताते चले कि सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने ही रवनीत सिंह बिट्टू का नाम बताया था। लगभग 1 हफ्ते पहले ही न्यूज 18 ने ये नाम तय कर दिया था, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी था और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जैसे ही इस नाम की घोषणा हुई, न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गया। तो बीजेपी ने बतौर कैंडिडेट रवनीत सिंह बिट्टू को मैदान में उतारा है। हालांकि जैसा कि बार बार लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू का चुना जाना लगभग तय है क्योंकि कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया है। सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधानसभा के ठीक बाहर खड़े हैं आप बाबूलाल, किस तरीके की हलचल वहां पर, और बताया जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं इस वक्त। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और जो बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं राज्यसभा चुनाव के लिए रवनीत सिंह बिट्टू, वो विधानसभा पहुंच गए हैं। बिट्टू अब जो है जो नामांकन का प्रोसेस है उसमें भाग लेंगे और थोड़ी देर में उनका जो नामांकन है वो दाखिल हो जाएगा। भजन लाल सरकार के अधिकांश मंत्री भी विधानसभा में मौजूद हैं और जो विधायक प्रस्तावक बने हैं बिट्टू के उनको भी, वो भी मौजूद हैं। कुछ निर्दलीय विधायक हैं वो भी आज इस मौके पर विधानसभा में पहुंचे हैं। जो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं निर्दलीय विधायक वो भी विधानसभा में इस वक्त हैं। तो बीजेपी जो है बहुत खुश है कि पंजाब की जमीन से जुड़ा हुआ एक नेता राजस्थान से चुन करके जाएगा राज्यसभा में,
तो ये एक तरह से बीजेपी के लिए गौरव की अनुभूति है और खास तौर से जिस तरह की राजनीतिक विरासत साथ में है रवनीत सिंह बिट्टू के, तो इससे ये साफ होता है कि ना तो कोई परिचय के मोहताज हैं और आने वाले दिनों में बीजेपी इसका पूरी तरह से फायदा उठाने की भी कोशिश करेगी। न केवल पंजाब में बल्कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव आ रहा है वहाँ पर भी, और राजस्थान में भी केंद्र की सरकार में वो मंत्री हैं, इसलिए राजस्थान की जो सरकार है उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी करेगी कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में राज्य मंत्री भले ही हैं लेकिन एक आवाज़ जो है वो वहाँ तक पहुँचेगी और जो छोटे छोटे काम होते हैं राजस्थान की जनता से जुड़े हुए वो रवनीत बिट्टू के जरिए यहाँ से होंगे और राजस्थान की सरकार को इसका लाभ मिलेगा, प्रदेश को लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये कड़ी से कड़ी जब जुड़ती है तो डेवलपमेंट होता है उस स्टेट का, और ऐसे में रवनीत बिट्टू का राजस्थान से चुना जाना कई सियासी संदेश भी देगा। और क्योंकि राजस्थान जो है बॉर्डर शेयर करता है पंजाब से, और गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो ज़िले हैं वो पंजाब की जो भी गतिविधियां होती हैं, हलचलें होती हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। खास तौर से किसान आंदोलन जब हुआ था तो इन ज़िलों में भी इसका असर साफ साफ सुनाई पड़ा था, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ पर भी बीजेपी यहाँ पर ज़्यादा कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। वहाँ पर जो श्रीगंगानगर की सीट है वो कांग्रेस ने जीती है इस बार, और इसके अलावा उस इलाके की जो समस्याएं हैं वो पंजाब की समस्याओं जैसी एक जैसी है। नहरी पानी का मामला है, क्योंकि राजस्थान हमेशा से शिकायत करता है कि पंजाब उसको पानी नहीं देता, भले ही वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन रवनीत बिट्टू जब दिल्ली में होंगे तो उसके जरिए भी राजस्थान की सरकार जो है वो पंजाब की सरकार पर दबाव बना करके वो राजस्थान को उसके हिस्से का पर्याप्त जो पानी है वो दिलवाने की कोशिश करेगी। नहरों में केमिकल आता है और बहुत सारी बीमारियां होती है, तो उसको लेकर के भी कोई साझा रणनीति बना करके राजस्थान और पंजाब आगे बढ़ सकते हैं। दिल्ली में इसमें दखल दे सकता है। आने वाले दिनों में यमुना का पानी लाना शेखावाटी में, तो उसमें रवनीत सिंह बिट्टू किस तरह की भूमिका अदा कर सकते हैं, तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो बिट्टू जो है उनका जो पगफेरा है राजस्थान में उसको बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी यही कह रही है कि एक भला इंसान, एक ऐसा नेता जो राजस्थान के लोगों को के प्रति जो है उसकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने आते ही राजस्थान में कदम रखते ये कहा कि मैं इस माटी का कर्जदार रहूंगा और आम जनता की मैं सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये जो उनका बयान है ये बता देता है कि उनके दिल में राजस्थान के लिए बहुत जगह है जी। और वो राजस्थान के हितों के लिए जितना उनसे बन पड़ेगा वो करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उनका जो नॉमिनेशन है वो इस वक्त हो रहा है डमी कैंडिडेट के तौर पर। सुनील कोठारी जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जिलाध्यक्ष रह चुके हैं जयपुर के और पार्टी में भी कई अहम पदों पर उन्होंने काम किया है, तो उनका नामांकन भी साथ में भराया जा रहा है ताकि कोई तकनीकी कारणों से अगर कोई दिक्कत पेश आती है तो फिर सुनील कोठारी को जो है उसमें आगे किया गया है। हालांकि कोई ऐसी अड़चन आने वाली नहीं है, बिल्कुल का जो नामांकन है वो उसके चार सेट जो है चुना जाना लगभग तय ही माना जा रहा है बाबूलाल। और अब जैसा कि कई बड़ी जिम्मेदारियां भी इससे पहले वो निभा चुके हैं और ऐसे माना जा रहा है कि राजस्थान के मुद्दे को पुरजोर तरीके से वो राज्यसभा में रखेंगे भी। बीजेपी की ओर से रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं, जो विधायक उनसे भी आप बातचीत कर रहे हैं तो वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का क्या है रिएक्शन, कांग्रेस से तीन बार सांसद भी रह चुके हैं जी। देखिए कांग्रेस पूरी तरह से खामोश है आज, और कांग्रेस का कोई नेता विधानसभा में नहीं आया। कुछ विधायक थे जो अपने पर्सनल निजी कारणों से जरूर विधानसभा में आए थे लेकिन कांग्रेस के पास में न तो संख्या बल था और ना वो इस चुनाव में कोई दिलचस्पी दिखा रही थी। अगर वो किसी को मैदान में उतारती और कोई क्रॉस वोट हो जाता तो पार्टी की नाक कट जाती, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव से दूर रहने में भलमनसाद समझी और पार्टी की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कल ही साफ कर दिया था कि वो जो है अपनी ओर से किसी भी उम्मीदवार को खड़ा नहीं करने वाले हैं, तो कांग्रेस ने सेफ साइड ली है क्योंकि पार्टी को पता है कि इस चुनाव में उनका कोई रोल नहीं रहने वाला है, और अगर पार्टी किसी भी तरह से नॉमिनेशन किसी का दाखिल करा देती है तो चुनाव होगा और चुनाव में फिर बड़ी मुश्किलें हो सकती है। एक भी वोट इधर उधर हो गया तो फिर जो है पार्टी से जवाब देते नहीं बनेगा और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैकफुट पे आ जाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझ करके और इस चुनाव से दूर रहने का फैसला किया, क्योंकि संख्या बल है नहीं, 98 वोट चाहिए जीतने के लिए। बीजेपी के पास में कम से कम 121 वोट हैं, 121 विधायकों का समर्थन है, तो ऐसे में पूरी तरह से मैदान से बाहर है कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में। और अब जो है जब बिट्टू नामांकन दाखिल करने के बाद में आएंगे बाहर, तब हम लोग उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है
उनके मन में विचार है राजस्थान को आगे लेकर जाने के लिए। और बिल्कुल बाबूलाल, जब रवनीत सिंह बिट्टू वहां पर पहुंचेंगे तो कोशिश करिएगा बातचीत के लिए, राजस्थान को लेकर क्या है उनका विजन आगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, सुजानगढ़ से खबर है जहां पर सलासर रोड स्थित गांव लोटसर के पास देर रात को हुए सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार मृतक महिलाओं में 1 पंजाब की निवासी है जबकि दूसरी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। सदर थाना पुलिस ने दोनों शवों को राजकीय बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। 4 घायलों में से 1 व्यक्ति की हालत गंभीर है जिसे रेफर किया गया है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक महिलाओं के नाम सपना और शारदा बताए जा रहे हैं। पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। और धौलपुर से इस बीच बड़ी खबर है जहां पर सड़क पर चलते ट्रक में आग लगने की सूचना है। ट्रक के एक्सल टूट पर सड़क पर रगड़ने से आग लगी है। चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की मदद से बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाया गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि ये ट्रक धौलपुर से आगरा की ओर जा रहा था। देर रात का ये पूरा मामला है। नेशनल हाईवे 44 पर हिनौता गांव के पास ये घटना घटी जहां पर चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि चालक और खलासी समय रहते ट्रक से कूद गए जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई और आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू भी पा लिया वरना यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। तो बताया जा रहा है कि ट्रक का जो एक्सल था वो टूटकर सड़क पर रगड़ खा गया और इसी के वजह से चिंगारी भड़की और ट्रक में आग लग गई। सवाई माधोपुर से अगली खबर है जहां पर मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के बनास नदी स्थित ओलवाड़ा रपट पार करते समय एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। युवक के बनास नदी में बहने की सूचना पर मलारना डूंगर थाना पुलिस और सवाई माधोपुर से एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में बनास नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लग सका है जिसके चलते रेस्क्यू टीम लगातार बनास में सर्च ऑपरेशन चला रही है। बनास नदी में बहने वाला युवक गंगापुर सिटी निवासी 28 वर्षीय आसिफ खान पुत्र जुमन फरीक फकीर बताया जा रहा है। और करेंगे अगली खबर का, बाड़मेर शहर से खबर है जहां पर लापता हुए युवक का शव मिलने के मामले में अभी तक परिजनों और समाज के लोगों ने शव नहीं उठाया। मोर्चरी के आगे परिजन और समाज के लोगों का पूरा मामला जिसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि पूरे मामले का खुलासा करे पुलिस। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गौरतलब है कि बाड़मेर शहर के इंदिरा कॉलोनी निवासी नरेंद्र सिंह 16 अगस्त को अपने घर से लापता हो गया था जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस लगातार नरेंद्र सिंह की तलाश कर रही थी। 19 अगस्त को नरेंद्र सिंह का शव शिव थाना क्षेत्र के देवका गांव के जंगल में बबूल के पेड़ से लटकता मिला। इसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। परिजन और समाज के लोग मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हैं। पूरे मामले पर खुलासा किए जाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी समझाइश में जुटे हैं। उसमें उन्होंने ये बताया था कि भाई उसे हत्या का अंदेशा है, पहले गुमशुदगी थी, उस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। समाज के कल कार्यालय में 15-1 मौजूद आदमी मिले थे, उन्होंने कल के लेट हो गए थे तो उन्होंने सुबह कहा था कि सब हम सुबह बॉडी ले लेंगे, दाह संस्कार कर देंगे। पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, इसमें जो भी घटना में होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। और अगली खबर जोधपुर से है जहां एक बार फिर से सूर्य नगरी शर्मसार हो गई। 3.5 साल की मासूम से छेड़खानी और दुष्कर्म की भी कोशिश की गई। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मासूम के पिता ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को हिरासत में लिया है। 2 दिन पहले ही आपको बताते चले कि एक 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कल शाम को एक छोटी बच्ची के साथ में
जो घर के बाहर खेल रही थी उसके साथ में किसी अज्ञात व्यक्ति ने छेड़छाड़ की थी, और जिस पर उसके पिताजी ने थाने में यहाँ मुकदमा दर्ज कराया प्रतापनगर थाने में, और अभी रात को ही ये जो अज्ञात आरोपी के लिए हमने टीमें गठित की और अभी आरोपी को डिटेन किया है, उससे पूछताछ करके जानकारी प्राप्त की जाएगी और अभी मौका अगर देख करके आगे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बाड़मेर से बड़ी खबर है, युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। परिजनों और समाज के लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। दो दिन से शव मोर्चरी में पड़ा हुआ है। मोर्चरी के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। 16 अगस्त को भोटिया निवासी नरेंद्र सिंह घर से लापता हो गया था। शिव थाना क्षेत्र के देवका गांव के पास झाड़ियों में लटकता हुआ शव मिला था। पुलिस ने बताया जा रहा है कि एक को दस्तयाब भी किया है और लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे समझाइश की कोशिश भी की जा रही है। और अगली खबर कोटपुतली से है, एविएशन टरबाइन फ्यूल से भरे टैंकर में रिसाव की सूचना है। हाईवे पर जाम के चलते किसी वाहन की टक्कर से रिसाव हो गया, लोगों में तेल समझकर लूट की होड़ मच गई। पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, पुलिस ने लोगों को मौके से खदेड़ा, टैंकर को हाईवे से दूर खड़ा कराया गया। टैंकर से रिसाव को रोकने के प्रयास लगातार जारी है। कोटपुतली के हाईवे स्थित LBS कॉलेज के सामने का ये पूरा मामला है। एविएशन टरबाइन फ्यूल में रिसाव के बाद लोग वहां पर बड़ी संख्या में हाथों में बोतलें लेकर पहुंच गए, उन्हें लगा कि शायद ये तेल है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को वहां से खदेड़ा।